हेलो दोस्तों, नमो नमः। मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक आशीष। आज मैं बच्चों आपके लिए संस्कृत का जो व्याकरण है, जो 25 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आने वाला है, उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आपको ये सब वीडियो मिलेंगे। इन सब वीडियो में अनुप्रयुक्त व्याकरण जो होगा, ये आपका 25 मार्क्स के लिए आता है। तो ये 25 मार्क्स जो आपके आ रहे हैं खंड ग में, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट मतलब एकदम बहुत सरल भाषा में आपको ये संधि एक वीडियो में, समास अनदर वीडियो में, प्रत्यय एक अनदर वीडियो में, ऐसे वाच्य प्रकरण एक वीडियो में, समय पाठ एक में, और ये सब एक एक करके बना के देने वाला हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका ज्यादा टाइम ना लूं और कम समय में जो एग्जाम में आने वाला होगा वो ही आपको करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय नहीं है क्योंकि एग्जाम 11th को है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है संधि प्रकरणम, संधि ही। तो आपके एग्जाम में कौन कौन सी संधि आने वाली है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। विषय एक दृष्टि में, सब्जेक्ट इन दैट, ठीक है, सब्जेक्ट एक दृष्टि में। संधि यूजली क्या होती है, दो या दो से अधिक समीपवर्ती शब्दों से या वर्णों से जो उत्पन्न विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि के भेद ऐसे ही होते हैं, मतलब जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। संधि के भेद जो हैं, व्यंजन संधि है, ठीक है, और विसर्ग संधि है। तो ये दो संधि आपके एग्जाम में आने वाली है। तो व्यंजन संधि में वो दो संधि पूछने वाला है, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। तो प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा और प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। तो व्यंजन संधि में दो क्वेश्चन तो आपके एक ये आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा और सेकंड क्वेश्चन इससे आएगा। तो दो क्वेश्चन तो आपके ये आपके एग्जाम में आएंगे। विसर्ग संधि में आपका उत्वम हो गया, ठीक है, विसर्गस्य स्थाने स श श, ये तीन हो गए, एंड रत्वम एंड लोपः। तो इसके चार क्वेश्चन हो गए। तो चार में से दो ये पूछेगा, दो ये पूछेगा, तो पूछेगा टोटल क्वेश्चन पांच। पांच में से लिखने हैं आपको चार, तो जो आपको चार लिखने हैं वो इसी डिविजन्स में वो डिवाइड कर देगा, जो भी है वो यहाँ पे डिविजन्स लग जाएगी। तो टोटल पांच क्वेश्चन में से उसकी मर्जी है, वो एक इधर से पूछ सकता है, तीन इससे पूछ सकता है, मतलब एक यहाँ से या तीन यहाँ से या दो यहाँ से तीन यहाँ से, तब भी उसे पांच करने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और क्या बोल रहा है, तो ये सब आपको पता है, संधि, ये विद्या प्लस ये नगरवर्ती, ये सब आपको पता है। डायरेक्ट संधि में एंटर करते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि, देखो यहीं पे अगर बात समझ में आ गई तो पूरी रामायण आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि में अगर आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई तो पूरी रामायण आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या बोला कि व्यंजन संधि एक्चुअली होती क्या है। तो क्या बोला, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, ये क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है, क्या है ये, व्यंजन है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन से कोई भी वर्ण हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। मतलब ये पहला, ठीक है, ये पहले वाले का लास्ट और ये सेकंड वाले का फर्स्ट, इन दोनों के मिलने से जो संधि हुई वो यहाँ पे भी वो व्यंजन संधि हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि व्यंजन संधि में व्यंजन इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो देखते हैं। वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। वर्गीय का मतलब क्या होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो उसके प्रथम अक्षर का, प्रथम अक्षराणाम मतलब प्रथम अक्षर का तृतीय वर्णे परिवर्तन, तो फर्स्ट लेटर विल कन्वर्ट टू थर्ड लेटर, पहला वाला तीसरे में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है देखते हैं। जलाम झशो अंते, ये सूत्र है, पाणिनि ने लिखा है, खैर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको समझने के लिए बस इतना सा आपके दिमाग में रखना है कि अंतस्थ मतलब अंदर वाले वर्ण जो होते हैं, या रा लावा और अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक मतलब ग य ण न म। ठीक है, इन व्यंजनों को छोड़कर शेष
किसी भी व्यंजन के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर या कोई भी स्वर आ जाए तो उस पूर्ण व्यंजन के साथ उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा ना, मतलब ये अंतस्था को छोड़ दो और ये अनुनासिक को छोड़ दो, इन वर्णों को छोड़ करके, ठीक है, इन इफ यू विल लीव दीज लेटर्स, इनको छोड़ करके, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्यंजनों को छोड़कर, तो आपने इन आठ नौ वर्णों को छोड़ दिया, शेष मतलब जो बचा है, अब जो भी बचा है उसका किसी भी व्यंजन के बाद, मतलब आफ्टर किसी भी व्यंजन के बाद, यह है ना यहाँ पे, ये व्यंजन है, किसी भी व्यंजन के बाद, ठीक है, वर्ग का तीसरा, तीसरा मतलब क ख ग, मतलब ग घ ङ, तो मतलब वर्ग जो मैंने बोला था क ख ग घ ङ, पांच लेटर होते हैं ना एक वर्ग में, तो उसका तीसरा वाला, तीसरा मतलब ग, चौथा वाला मतलब घ, ठीक है, तो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर या कोई भी स्वर आ जाए, इनडायरेक्टली व्हाट इज सेइंग, डायरेक्टली कि अगर कोई स्वर आ जाए तो क्या क्या आना चाहिए, तीसरा चौथा और स्वर आ गया तो उस पूर्ण व्यंजन के स्थान पर, वो जो व्यंजन है वहां पे, आधा व्यंजन या पूर्ण व्यंजन जो भी है, उसके स्थान में उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, तो उस व्यंजन के जगह में, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लो, ठीक है, ये अप प्लस जम, पा के बाद क्या है, ज, ज कौन सी कैटेगरी में आता है, च छ ज, तो तीसरा लेटर हो गया ना ज, राइट, जो भी हमने सूत्र पढ़ा था सूत्र के अकॉर्डिंग, तीसरा और चौथा, ये है ना तीसरा और चौथा, तो उसके हिसाब से पा के बाद, पा मतलब पहला लेटर हो गया, ठीक है, पहले लेटर की जगह में उसके बाद क्या आया, जा, जा है तीसरा, तो पा की जगह में क्या हो जाएगा, ये बा आ जाएगा पा की जगह में, ब, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अपजम, षट प्लस दर्शनम, टा के बाद अगेन थर्ड लेटर द है, जो ये टा है, ट के बाद द, द थर्ड लेटर, त थ द तीसरे लेटर में आता है, ठीक है, तो टा की जगह में क्या हो गया, ट ठ ड, थर्ड लेटर हो गया कन्वर्ट चेंज, जगत प्लस ईशः, जगदीशः, देन व्हाट ही टोल्ड हियर, व्हाट ही टोल्ड हियर, कि अगर कोई स्वर आ जाए, अगर कोई स्वर आ जाए, तो ये स्वर है ना यहाँ पे, अगर ये स्वर आ गया तो ता के बाद ई, जगदीशः, ता का थर्ड लेटर क्या होगा, त थ द, ठीक है, तो यहाँ पे द है ना, ये द, ठीक है, ये द है यहाँ पे, यू कैन सी, ता का द बन गया, द में ई जुड़ गया तो दी हो गया, जगदीशः। फोर्थ एग्जाम्पल बोल रहा है वाक प्लस ईशः, अगेन का क्या है, प्रथम लेटर है, क ख ग घ, पहला लेटर हो गया ना, उसके बाद क्या आया, ई, तो वाक प्लस ईशः, वागीशः, थर्ड लेटर पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन चारों में से एक एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर आएगा, या दो एग्जाम्पल जरूर आएंगे, इन चारों में से आएंगे, क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक है, 10th स्टैंडर्ड की जो ग्रामर बुक है वहीं से लिया हुआ है, ठीक है, ये ग्रामर वहीं से लिया हुआ है और कहीं से नहीं लिया है। नहीं समझ में आया होगा तो हम वर्कशीट में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, तो ये प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में था, अब ये बोल रहा है कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है, तो पहले लेटर को पांचवे में करना है। देखते हैं, सूत्र को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको सूत्र समझ में आ गया तो पूरी रामायण समझ में आ जाएगी, ठीक है, देखते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, यदि किसी पद के अंत में रा ह को छोड़कर शेष कोई भी व्यंजन हो और उसके बाद कोई अनुनासिक अक्षर हो तो उस पूर्ण व्यंजन की जगह पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो क्या क्या छोड़ना है, रा को छोड़ दो और हा को छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद कोई भी व्यंजन हो, कोई भी उसमें व्यंजन आए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और उसके बाद कोई अनुनासिक अक्षर हो, और कोई अनुनासिक अक्षर, जो हमने भी अनुनासिक अक्षर कहां पे देखा था, यहां पे देखा था, यह है अनुनासिक अक्षर, हमने यहाँ पे देखा था, ये अनुनासिक है, ग य ण न म, ठीक है, ये अगर आए तो, अक्षर हो तो उसे पूर्ण व्यंजन और उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो ट, षट, टा के बाद क्या है, म, तो टा की जगह में क्या आया, अणा, ये यहाँ पे अणा,
क्योंकि टा का लास्ट लेटर क्या होता है, टा ठा ड ढ ण, ठीक है। एतत, एतत में ता, ता पहला लेटर हो गया, ता के बाद क्या है, माँ, ठीक है। माँ हमारे सूत्र में आ रहा है, तो ता के बाद माँ होने से ता का जो लास्ट लेटर होता है वो ना है, एतन मुरारी। षट प्लस नगर्यः, टा के बाद ना है, टा के बाद क्या है, ना, तो टा का लास्ट लेटर क्या होगा, अणा आ जाएगा, ठीक है, ना हो गया। तो ये छह एग्जाम्पल है, इन छह एग्जाम्पल में से ही दो एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल जरूर पूछेगा, ठीक है, दो एग्जाम्पल जरूर पूछेगा। वाक् प्लस मयम, वांग मयम, का लास्ट लेटर क्या होता है, न होता है लास्ट लेटर, ता का लास्ट लेटर क्या होता है, न होता है, तो यहाँ पे ना आया, क्योंकि इन सभी जितने भी लेटर्स हैं इन सभी के बाद क्या आ रहा है, ये मा आ रहा है, ये मा आ रहा है, या ये ना आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है अनुनासिक, अनुनासिक वर्णाः, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो ये छह एग्जाम्पल हैं, छह में से दो पक्का आएंगे, ये मेरी गारंटीड है, आप बिलीव करो नहीं करो, ये चार एग्जाम्पल्स हैं, इन चार एग्जाम्पल्स में ही जगत प्लस नाथ हो सकता है, जगन्नाथ ऐसा आ सकता है, बट ये छह एग्जाम्पल में से ही आएगा। चलो विसर्ग संधि की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अगर विसर्ग संधि के लिए क्या बोला है कि विसर्ग के बाद यह स्वर आए या व्यंजन आए, तो मतलब किसके बाद, विसर्ग जो दो डॉट होते हैं, डॉट के बाद अगर स्वर हो या व्यंजन आए तो उनमें जो विकार होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग से उत्वम देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विसर्ग से उत्वम के लिए क्या बोल रहा है, नथिंग इज ही सेइंग, ही सेइंग विसर्ग के पूर्व, ठीक है, विसर्ग के पूर्व मतलब विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, ठीक है, ये दो डॉट जो हैं, जो ये दो डॉट हैं ये मतलब विसर्ग हैं। अब विसर्ग से पहले, पहले मतलब इधर आ, ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद भी आ हो, तो इस विसर्ग के बाद भी आ हो और कोई मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन का मतलब होता है ये वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर, मृदु व्यंजन का मतलब होता है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, मतलब अगर का वर्ग देखोगे, का खा को छोड़ के जो लास्ट थ्री वाले हैं, ग घ ङ, च छ को छोड़ के च छ ज झ ञ, तो ये हो गए मृदु व्यंजन, अथवा या रा ला वा हो और या रा ला वा हो तो विसर्ग को उ हो जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं दोबारा बोलता हूँ, ये मतलब यही समझना जरूरी है, ये समझ में आ गया तो पूरी रामायण समझ में आ गई। सूत्र पे क्या बोल रहा है, वो सूत्र पे बोल रहा है कि ये जो विसर्ग है इस विसर्ग से पहले, पहले मतलब बिफोर अगर अ है और इस विसर्ग के बाद अगर अगेन अ है, ठीक है, अगेन अगर आ है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या अथवा यारा लावा हो तो विसर्ग को उ हो जाएगा, तो जो ये विसर्ग था इसको उ हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसको उ हो गया। तो अब ये जब उ हो गया तो आ और उ को जोड़ लोगे तो गुण संधि हो जाती है और ये अपने आप ही ओ हो जाता है, ये अपने आप ही क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो ओ हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा एग्जाम्पल बोल रहा है, सह, ठीक है, आपने जो सह देखा, ये सह से, अब ये विसर्ग से पहले क्या देख रहे हो, अ है, मतलब सह से जो विसर्ग से जस्ट पहले है वो अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो विसर्ग की जगह में क्या हो गया, ये उ आ गया विसर्ग की जगह में। अब आ और उ ओ जोड़ा तो ये हो गया सो, ठीक है, और अपी, अ मतलब जो विसर्ग का लग जाता है तो ये अवग्रह जो ये चिन्ह होता है एस वाला, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, ठीक है, ये होता है अवग्रह चिन्ह, पूर्व रूप संधि में आता है, तो ये हो गया सोपी। टू इजी, अभी भी समझ में नहीं आया तो बहुत आसान है, एक आराम से इंसान समझ सकता है कि वो बोलना क्या चाहता है, एकदम दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। अगर आपको समझने की कोशिश करनी है तो एक बार और दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, एक बार और आपके लिए, ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, वैसे होप समझ में आ गया होगा, बाकी अगर आप दूसरे भी एग्जाम्पल्स देख लो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या बोला है, रामहा,
ये जो विसर्ग है अब इस गोले में देख सकते हो, जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है अ, और विसर्ग के बाद क्या है अ, तो अ और मतलब तो आ विसर्ग के आगे पीछे होने के कारण तो विसर्ग की जगह में आपको क्या देना है, आपको ओ देना है। तो जब आ राम में जो माँ, माँ में जो आ है, आ और ऊ जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा रामो, गुण संधि हो गई रामो, ठीक है। आ प्लस ऊ ओ, सूर्योदया, सूर्य प्लस उदया ऊ हो गया। अस्थि की जगह में जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो आ की जगह में ये एस आ जाएगा, जो यहाँ पे एस है ये एस आ गया, तो ये हो गया विसर्गस्य उत्वम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। तो ये बहुत आसान है, बस ये खाली सूत्र याद रखना है, ठीक है। विसर्गस्य उत्वम, अब विसर्ग का उत्व क्या है कि रत्वम, सॉरी विसर्गस्य रत्वम, रकार, विसर्ग का जो रकार आएगा तो क्या बड़े, विसर्ग के पूर्व मतलब विसर्ग से पहले अगर आ या बड़ा आ हो या कोई भी भिन्न स्वर हो, ओके, आ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर अथवा कोई मृदु व्यंजन हो, ठीक है, कोई व्यंजन हो, तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वही मृदु व्यंजन मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो अथवा या रा ला वा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। तो ये जैसे एग्जाम्पल दिया है, ये कवि ही मतलब विसर्ग के बाद या पहले क्या है ई है, तो उसने क्या बोला था आ या आ से कोई भिन्न स्वर हो, मतलब कोई और भी स्वर हो, आ आ तो है उसके साथ साथ और कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर आता हो या कोई मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन मतलब ये तीसरा चौथा और पांचवा लेटर, ठीक है, अगर आ रहा हो तो ये तीसरा लेटर है जयति, जयति में जा, चा छा जा, थर्ड लेटर हो गया, तो विसर्ग की जगह में रा हो जाएगा, तो ये हो गया कबीर जायते, ठीक है। यहां पे भी देख लो, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद ये ध, ध मतलब त थ ध और चौथा लेटर हो गया, त थ ध ध्यायति, ध चौथा लेटर हो गया, तो ये चौथा लेटर कहाँ पे था, ये बोला चौथा लेटर ये है, तो क्या बोला था तीसरा चौथा मतलब ये थर्ड लेटर एंड ये फोर्थ लेटर आ गया, तो ऑटोमेटिकली मुनीर ध्यायति इज द करेक्ट आंसर। तो आपको खाली सूत्र याद रखना है, अगर आपको सूत्र आपके दिमाग में है तो आप कुछ भी कर सकते हो आराम से, कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों में से एक एग्जाम्पल जरूर आएगा, इन पांच चारों में से एक एग्जाम्पल जरूर आएगा, ठीक है। विसर्गस्य लोपः, ये तो बहुत आसान है, विसर्गस्य लोपः भो भगो अधो अपूर्वस्य योषी, यदि विसर्ग के पूर्व मतलब विसर्ग से पहले, ये जो विसर्ग की मात्रा है ना, ये विसर्ग से पहले भो हो भगो हो अधो हो, ये तीन शब्द बोल सकते हैं, लेटर बोल सकते हैं, तो ये तीन शब्द हैं, शब्द हो या आ रहे, ठीक है, और बाद में कोई मृदु व्यंजन, तो मतलब आ छोटा आ और बड़ा आ दोनों भी चलेंगे, ठीक है, और रहे और उसके बाद आफ्टर दीज 1 2 3 4, आफ्टर दीज फोर लेटर्स इफ बाद में कोई मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन अगेन एंड अगेन, नो नीड टू टेल यू दैट इज द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर, अथवा या रा ला वा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। देख लो भाई, भो हो, भो के बाद देवाहा तो ये हो गया, अगेन भगो हो, नमस्ते भगो, मैंने बोला था ना 1 2 3 4, ये आपको चार लेटर याद रखने हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, देवाहा विसर्ग के पहले क्या है आ, तो ये कहा है आ, ठीक है, जब किंतु जब विसर्ग के पूर्व आ और बाद में कोई स्वर आ जाए तो, अथवा विसर्ग के पूर्व अ और बाद में कोई अ भिन्न हो जाए तो विसर्ग को लोप करना या ना करना आपकी इच्छा है, तो दैट इज योर विश। अब वो क्या बोल रहा है, इतना आपको ऊपर आपने देखा तो मैं आपको ये समझा रहा था, आ के बाद कुछ हो तो वो परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है भाई लोगों, तो ये मतलब समझने वाली बात, आप इसको कैसे समझना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो।
सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो जैसे सोच सकता है या जैसे कर सकता है वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इट्स टू इजी, मतलब वो भी इतना आसान है। ठीक है, अब बोल रहा है, मैं जब पढ़ा रहा था तो पढ़ाते समय एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि किंतु जब विसर्ग के पूर्व आ हो और उसके बाद भी कोई स्वर आ जाए, अथवा विसर्ग के पूर्व अ स्मॉल हो और बाद में भी अ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, तो दैट इज योर विश, यू वॉन्ट टू डू दैट लोप यू कैन डू, यू डोंट वॉन्ट यू कांट। मतलब आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो मत करो, वो आपकी इच्छा है, कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि करना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विसर्ग का लोप। अब क्या बोल रहा है, यदि सह और एषः के बाद कोई व्यंजन आए तो उसकी जगह में क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो मतलब ये सह के बाद कोई भी कुछ भी आए तो सह और एषः के प्रयोग में लोप होगा ही होगा। ठीक है, और अभी क्या बोल रहा है, सह और एषः के बाद आ जाए तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, जबकि यहाँ पे विसर्गस्य उत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, सह एषः के बाद आ आया तो लोप नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी व्यंजन आए तो एनी व्यंजन विल कम द लोपा विल देयर, मतलब सह प्लस शंभु सह शंभु। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो बहुत आसान है, इसके तो एक एक एग्जांपल ये याद रख लो, ये विसर्ग के बाद। ठीक है, अगर चा या छा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है विसर्जनीयस्य सह, यदि विसर्गों के बाद च छ ट ठ त थ, ठीक है, ये थ आए और उसके बाद क्रमशः श श श न आए तो विसर्ग के स्थान में सकार हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो विसर्ग के बाद क्या है, च, विसर्ग की जगह में क्या आ गया, श। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या है, छ, तो विसर्ग की जगह में आ गया, ये टा वाला देख लो धनु प्लस टंकार रहा धनुष टंकार रहा, और ये ताथा वाला देख लो विष्णु प्लस त्राता विष्णु स्त्राता, देव प्लस तिष्ठति देवस्तिष्ठति, नमः प्लस का रहा नमस्कार रहा। ठीक है, का भी है कि अगर का भी आता है तो भी होते एक एक बार के लिए, और उसके अलावा तो कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी ये सब सिंपल एग्जाम है, हरी प्लस शेते हरी शेते और मनः प्लस अष्टम मन षष्टम। ठीक है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है, बाकी मेरे पास एक वर्कशीट का सैंपल पेपर है, ये वर्कशीट का सैंपल पेपर मैं अपूर्वक की पाठशाला के टेलीग्राम चैनल के लिए डाल रहा हूँ, आप करके आप इसके आंसर्स टिक मार के आप आगे भेज सकते हो, तो हम उसके बाद फिर इसके ऊपर डिस्कस करके मैं आपको की आंसर भेज दूंगा, आपको इसकी मैं की आंसर दे दूंगा, इनमें से ही 5 एग्जाम्पल आएंगे 99%। ठीक है, तो ये की आंसर इसकी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डिपेंड्स आपकी कमेंट के ऊपर, आप जितनी कमेंट मारोगे उसके ऊपर डिपेंड है, आप कमेंट में भी इसके क्वेश्चन पूछ के आंसर पूछ सकते हो, जहाँ पे इसका क्लियरिटी नहीं आया होगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा कुछ उसका भेज सकूं। तो अगर आपको संधि समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, यू पीपल शुड बिलीव दैट मच, इसमें से ही जो मैंने पढ़ाया है इसमें से ही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इसमें से ही आएगा, ये जिच How many examples I have given you people? Those examples, from those examples only, from these examples only, the questions will come. तो ठीक है, फिर मैं आपको क्या बोलूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, और बच्चों आप भूल जाते हो कि आपको एक एक बार सब्सक्राइब भी करना है, या आपको एक एक बार लाइक भी करना है, और आपको एक एक बार कमेंट भी करना है, मतलब आप भूल जाते हो, आप आते हो देखते हो और चले जाते हो, तो अगर आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो चलो, हम विश्वास रखते हैं कि आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर आप इसको लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ, देखो आप कहाँ से हो मुझे नहीं पता, पर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, मैं एक शुरुआत कर चुका हूँ, मैं मतलब अभी बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं बना हूँ, जैसे लाइक बहुत सारे कैलाश शर्मा हैं, मास्टर साहब आयुष जी हैं, वो बहुत सारे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा आगे, तो सपोर्ट चाहिए ना, विदाउट यू पीपल विल नॉट सपोर्ट मी, देन मैं कैसे कर पाऊंगा।
तो चलो धन्यवाद बोलता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको समास मिलेगा। धन्यवाद।